get your fucking hands up. नमस्कार दोस्तों, वी मोशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जिसमें आपको डेटा रिकवरी के लिए बताया जाएगा, खास उन लोगों के लिए कि जिनके पास हार्ड डिस्क या फॉर्मेट हो जाती है, डिलीट हो जाती है या उनका डेटा रिमूव हो जाता है। इसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जिनमें SSD कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड आता है। मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता कि कब उनका डेटा डिलीट हो जाता है, कब रिमूव हो जाता है, कब कार्ड फॉर्मेट मांगने लगता है या कभी कभी हार्ड डिस्क रो फॉर्मेट में चली जाती है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे कंडीशन में मैं आपको दो सॉफ्टवेयर ऐसे बताऊंगा जिसमें आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं आप उनको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आज का टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नेट चालू करने के बाद गूगल क्रोम को चालू करना है। गूगल क्रोम चालू करने के बाद आपको यहाँ से मिनी टूल यहाँ टाइप करना है, मिनी टूल्स डेटा रिकवरी, जो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले लिखा है डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, यहाँ 2021 का फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर बाय मिनी टूल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको वीडियो भी दिखाएगा कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो करना है। लेकिन वो हम बताएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर अपने आप ही यहाँ से डाउनलोड शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं लेगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लिक करना है और आपको इसे रन करवाना है, यहाँ से इंस्टॉल करवाना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए आप भी इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे बंद कर लेते हैं और आपको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको, कि सबसे पहले आपको क्या करना है और डेटा कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से आपको अब आपने जो डाउनलोड किया है वो कहाँ है पहले हमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड का जो फोल्डर दिखा रहा है उस फोल्डर पे जाना है। उसके बाद आपने जो डाउनलोड किया है या बता रहा है तो वहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से रन देना है। रन देने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ से री इंस्टॉल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी हम डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करना भी बता देते हैं। यहाँ से चालू हो गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं नीचे मिनी टूल्स पावर डेटा रिकवरी दिया हुआ है। यहाँ से आपको स्टार्ट नाउ पे जाना है। थोड़ी देर के बाद सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा और अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह इसका फॉर्मेट हमें दिखा रहा है। यहाँ हमारे अंदर जितने भी ड्राइवर है वो भी दिखाएंगे आपको, जो SSD कार्ड है या मेमोरी कार्ड आपको रिकवर करना है तो वो आपको देना है, पेन ड्राइव डालना है, जो भी रिकवरी करना है डेटा वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है वो खास देखना है। सबसे पहले यहाँ देख लोगे कि यहाँ से ये हमारा ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन में केवल 1 GB ही डेटा रिकवर होता है। लेकिन आप उसके रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो आपको डेटा लेने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो ज़्यादा नहीं खर्च करने पड़ेंगे आपके, कम पैसे में इसका इस्तेमाल आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी ड्राइव रिकवर करना है वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे सेटिंग में जाना है आपको। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्मेट में F12 है, 16:32 है, NTFS, इसमें आपको फॉर्मेट में रिकवर करना है वो आप लेना है। फिर यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से एक्स्ट्रा सर्च करना लगे और इन टाइप दिया गया, इसमें से आपको कौन सी फाइल
डाउनलोड करने हैं, यानी कि आपको रिकवर करने हैं, तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना तो इसको सिलेक्ट छोड़ देना है, अचीव फाइल छोड़ देनी है, डेटा बाइक ईमेल। अब ज़्यादातर आप वीडियो या फिर फोटो डाउन फॉर्मेट हो जाता है बराबर, तो वो कार्ड को आपको इस तरह रिकवर करना है तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, तो उनमें से भी आपको कौन सी फाइलें रिकवर करनी है वो लेने हैं, तो सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन छोड़ देना है एक बार। और JPG, ज़्यादातर हमारे JPG या फिर PSD यही फाइलें डिलीट हम कर देते हैं या गलती से हो जाती है, रिमूव हो जाते हैं या फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद आपको वीडियो लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, तो आपको वीडियो भी कौन सा लेना है वही सिलेक्ट करो, वरना आप पूरे का पूरा कार्ड सिलेक्ट होगा तो सारी के सारी फाइल रिकवर होगी। इसलिए इसके अंदर हमें ज़्यादा फाइल क्या है कि आपको कोई MP फाइल हो तो MP फाइल ले लो, EVI क्लिप हो आपकी, या फिर हमारे जो वीडियो हम उतार कर आते हैं M2TS एंड MTS वाली फाइल है। इतना सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ओके देना है। ओके देने के बाद यहाँ से आपको स्कैन करना है। स्कैन करोगे तो जैसे ही स्कैन करोगे तो थोड़ी देर में आपके स्कैन प्रोग्रेस चालू हो जाएगी, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि क्या स्कैन होता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इसके अंदर यहाँ लाल निशान दिखा रहा है, वो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारे डिलीट की हुई या फॉर्मेट की हुई फाइल होगी या रिमूव हो होगी, वो सारी फाइलें यहाँ से हमें सामने दिखाएगी कि ये फाइल हमारी डिलीट हो चुकी थी। यहाँ से लॉस्ट फाइल दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इनमें इतनी सारी फाइलें हमने पहले से डिलीट कर चुके थे, तो सारे के सारी फाइलें इस वक्त यहाँ रिकवर हो रही है। और बाकी के फोल्डर जो हमारे ड्राइव में होगा या पेन ड्राइव में होगा या सिस्टम कार्ड में होगा वो तो दिखाएगा ही, साथ में जो डिलीट की होगी फाइल सारी की सारी हमें दिखाई देगी यहाँ, तो आपको पता चल रहा है। उसके बाद कि आपकी फाइल हो चुकी है तो उसे रिकवर कैसे करना है, तो सबसे पहले इसे हमें पुश कर देते हैं, जैसे कि हमारे फोल्डर हमें मिल चुका है तो उस फोल्डर को कैसे रिकवर करना है, तो यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव करना है, और सेव आप जहाँ भी करना चाहते हो आ जाके यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी ले लो और रिकॉर्डिंग देके ओके दे दो। यहाँ से ओके दोगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा होगा कि आपको फाइलें रिकवर 100% हो जाएगी बिना करप्ट हुए, आप देख सकते हैं हो गया है। इसे हमें मिनिमाइज करके देखते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे वो फाइलें सारी आ चुकी, उसे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते थे इस तरह हमारी सारी की सारी फाइलें रिकवर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना, इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे वो भी डेटा रिकवरी।